दोस्तों, आप सभी को पता है कि कल शाम को 5 बजे आईबी ने यूएपीयू मीटिंग कॉल करी थी और उसमें 15% की ऑफ़र लगाई थी। और उसके बाद यूएपीयू एआईबीई ने एक सर्कुलर निकाला है स्ट्राइक नोटिस का, और उसमें कुछ डिटेल बताई है कि क्या क्या हमारी बात हुई, क्या क्या डिमांड्स हमने रखी हैं और क्या क्या उन्होंने ऑफ़र उन्होंने माना है। तो सबसे पहले तो उन्होंने ये कहा है कि 31 जनवरी और 1 फरवरी की स्ट्राइक को कामयाब करें, 11, 12, 13 मार्च की फिर स्ट्राइक है और इनडेफिनिट स्ट्राइक 1 अप्रैल से है। उन्होंने 12 डिमांड का जिक्र किया है, वेज रिवीजन सेटलमेंट एट 20% ऑन पे स्लिप कंपोनेंट्स विद लोडिंग फैक्टर, कंपोनेंट विद एडिक्वेट लोडिंग फैक्टर। एडिक्वेट लोडिंग फैक्टर कितना है ये बताया ही नहीं है उन्होंने। 2% आईबीए कर रही है, लेकिन यू एआईबीए अब कह रही है कि एडिक्वेट लोडिंग, 5 डे बैंकिंग मर्जर आ स्पेशल अलाउंस विद बैंक पे स्क्रैप न्यू पेंशन स्कीम, एनपीएस को ख़त्म करके ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली करना, अपडेशन ऑफ पेंशन, इम्प्रूवमेंट ऑफ फैमिली पेंशन एलोकेशन टू स्टाफ वेलफेयर फंड बेस्ड ऑन ऑपरेटिंग प्रॉफिट, एग्जेम्पशन बट फ्राम इनकम टैक्स ऑन रिटायरल बेनिफिट्स विदाउट सीलिंग, यूनिफॉर्म डेफिनेशन ऑफ बिजनेस आवर्स, लंच आवर्स एटसेट्रा इन ब्रांचेस। ये डिमांड भी उन्होंने बहुत अच्छी रखी है, क्योंकि बैंकों में लंच टाइम भी ख़त्म हो गया है। बिजनेस आवर्स का क्या मतलब है, लंच आवर्स का क्या मतलब है? ब्रांचेस में बोर्ड लगा है अन इंटरप्टेड सब सर्विस फ्रॉम 10 to 4 PM। तो अन इंटरप्टेड का मतलब है देर इज़ नो लंच ब्रेक। तो लंच ब्रेक को वापस लाना है, जो कई सालों से बंद हो चुका है बैंक में लंच ब्रेक, इसको वापस लेके आना है। इंट्रोडक्शन ऑफ लीव बैंक, डिफाइंड वर्किंग आवर्स फॉर ऑफिसर्स, इक्वल वेज एंड इक्वल वर्क फॉर कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज, बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट्स एटसेट्रा। इक्वल वेज, समान समान काम, समान वेतन का जो मोदी साहब का असूल है वो बैंकों में लाना चाहते हैं। डिफाइंड वर्किंग आवर्स फॉर ऑफिसर, क्योंकि ऑफिसर का बैंक में आने का टाइम है, जाने का टाइम कुछ नहीं है। तो इसलिए ये 2 पेज का सर्कुलर आया उन्होंने निकाला है, पहला पेज और दूसरा पेज में, दोनों ही आपको पेज दिखा रहा हूँ जिसके पीछे नीचे उसके साइन है सी वेंकटाचलन के। तो उसके बाद शाम को एक आईबीए ने भी नोटिस निकाला है। उस नोटिस में उन्होंने कहा है कि मल्टीपल राउंड्स ऑफ डिस्कशन हैव टेकन प्लेस बिटवीन द आईबीए एंड नेगोशिएटिंग कमेटी एंड द यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन फॉर द वेज रिवीजन ऑफ बैंक अप्लाइज इन द मीटिंग हेल्ड ऑन 30 जनवरी 2020। डिस्पाइट द रिवाइज ऑफर ऑफ 19%, आईबीए ने यहाँ 19% लिखा है, जबकि यूएपीयू 15% कह रही है। वो 19% के बीच में 2.71% जो पीएलआई है उसको भी इंक्लूड कर रहे हैं, जबकि वो वेज रिवीजन का पार्ट नहीं है। पीएलआई बैंक वाइज मिलेगी, प्रॉफिट के ऊपर बेस्ड होगी, बैंक को लॉस हो गया तो वो नहीं मिलेगी, इसलिए इस ऑफर को 15% ही कहना चाहिए। आईबीए इसको 19% कह रही है। और उन्होंने कहा है कि देश की इकोनॉमी ऐसी है, क्रिटिकल जंक्शन से निकल रही है, सीरियस पोजीशन से हमारा देश निकल रहा है, इसलिए हम 5 डे वीक को बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि इंडिया में सबसे ज़्यादा हॉलीडेज़ हैं पूरे वर्ल्ड में, बैंकिंग को सबसे ज़्यादा हॉलीडेज़ दी गई हैं, और 26 हॉलीडेज़ और ऐड कर दें, छुट्टियां और ऐड कर दें तो पब्लिक को बहुत इनकन्वीनियंस हो जाएगा और बैंकिंग का इमेज जो है बहुत ख़राब हो जाएगा। और लास्ट में उन्होंने ये भी लिखा है कि यूनियन का इरेस्पॉन्सिबल बिहेवियर के कारण स्ट्राइक हो रही है और हमने उनको एडिक्वेट ऑफ़र लगाई है, लेकिन वो अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। तीसरी बात, उन्होंने इनकमिंग पब्लिक से ये कहा है कि 24 घंटे 7 दिन बैंक के डिजिटल काउंटर खुले हैं, नेट बैंकिंग खुली है, एटीएम खुले हैं, पॉस खुले हैं, अल्टरनेटिव चैनल सारे काम कर रहे हैं, तो उसका फ़ायदा उठाएं, उसका लाभ उठाएं और बैंकिंग के ऊपर डिपेंड ना करें, क्योंकि 2 दिन की स्ट्राइक चल रही है। वही रिग्रेट द इनकन्वीनियंस कॉज टू द जनरल पब्लिक बिकॉज ऑफ इररेस्पॉन्सिबल बिहेवियर ऑफ द यूनियन। तो उन्होंने ये जो वर्ड लिखा है इररेस्पॉन्सिबल बिहेवियर ऑफ द यूनियन, उसमें तो यूनियन ने उसका भी जवाब दिया है कि लाखों करोड़ों केस हाई कोर्टों में पेंडिंग पड़े हैं, कोर्टों के बीच करोड़ों केस पेंडिंग पड़े हैं, क्या आप उनकी पेंडेंसी, उनकी छुट्टियों को कम करते हो?
करोड़ों केस पेंडिंग होने के बाद भी जजेस छुट्टियों पर जाते हैं। समर वेकेशन एक महीने की होती है, फिर विंटर वेकेशन 15 दिन की होती है, तो क्या उनकी पेंडेंसी कम है? आज हाई कोर्ट में रिट लगाओ तो 2 साल का टाइम दे देते हैं, 2 साल के बाद वो एडमिट होती है। तो ऐसा ही पोजीशन है कोर्ट, हर जगह सरकार के दफ्तरों में केस पेंडिंग पड़े हैं। पासपोर्ट बनाने जाओ तो 1-1 साल पासपोर्ट नहीं बन रहा है, ड्राइविंग लाइसेंस 2 महीने नहीं बन रहा है, तो सभी के पास पेंडेंसी है। तो क्या हम उसका इलाज, उसका क्या निकाला है? जब बैंक की बात आती है तो फिर आपको देश का ध्यान आ जाता है कि देश की इकोनॉमी ख़राब है। तो इसलिए आईबीए भी गड़बड़ कर रही है, रोल प्ले जो है उसका गलत रोल प्ले है। और आज की 31 जनवरी और 1 फरवरी की स्ट्राइक स्टैंड करती है, और हो सकता है फरवरी के महीने में आईबीए को समझ आ जाए, क्योंकि मार्च के महीना जो है 11, 12, 13 उसके बीच में 9 तारीख की छुट्टी भी है और 10 तारीख की कई स्टेट्स में छुट्टी है, तो पूरा हफ्ता ही बैंक बंद रहेंगे, तो इसको कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। क्योंकि मार्च के महीने में रेवेन्यू कलेक्शन होना है, इनकम टैक्स के सारे डिपॉजिट होना है, पीपीएफ विड्रॉल होना है, तो सारे तरह के अकाउंट खोलने हैं, स्मॉल सेविंग्स होनी हैं, तो बैंक ने भी टारगेट अचीव करने हैं। तो इसलिए बैंक जो है आईबीए उस मार्च की स्ट्राइक को बर्दाश्त नहीं कर सकेगी, इसलिए फरवरी के महीने में मीटिंग बुला के पूरा जोर लगा के वेज सेटलमेंट की जाएगी। ना हुआ तो इलाज फिर 1 अप्रैल को इनडेफिनिट स्ट्राइक से पहले पहले ही निकल जाएगा। तो इसका मतलब चांस ये है कि 20% तक आईबीए डर के मारे, स्ट्राइक के डर के मारे जा सकती है पे स्लिप कंपोनेंट पर ये अभी तक क्लियर नहीं है कि लोड फैक्टर कितना पड़ेगा, क्योंकि लोड फैक्टर अगर 2% रहा तो बेसिक पे में 2% इंक्रीज़ होगी। मान लीजिए किसी की 40,000 बेसिक पे है तो 2% उसका लगा के कितना बनेगा, तो उसका 800 रुपया बन गया, तो 40,000 बेसिक पे बन जाएगी। तो इतना सा ये गलत सिस्टम है, इसको बढ़ाने की ज़रूरत भी है। और लोड फैक्टर की कमी, स्पेशल पे मर्जर के बारे में उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया है, क्योंकि स्पेशल पे जो है उसको मर्ज करने से बेसिक पे बहुत राइज कर जाएगी। और दूसरा उनका पॉइंट है आईबीए का कि उसको अगर मर्ज करते हैं 1 नवंबर 2017 से तो ये बहुत एरियर बन जाएगा, तो बैंकों को ऊपर बहुत लोड पड़ जाएगा। और बैंक रिटायरी जो 17 में रिटायर हुए हैं, 18 में रिटायर हुए हैं, 19 में रिटायर हुए हैं, सभी को एरियर देना पड़ेगा। तो इसके बीच में ध्यान में रखते हुए स्पेशल अलाउंस मर्जर को भी उन्होंने मना कर दिया है, 5-डे वीक भी मना कर दिया, स्पेशल अलाउंस मर्जर भी कर दिया, पेंशन अपडेशन को भी उन्होंने नो किया है क्योंकि बैंक्स के पास पैसा नहीं है देने के लिए। तो इतनी चालबाजियाँ आईबीए इस्तेमाल कर रही है। तो इसके होते हुए 39 राउंड्स ऑफ टास्क, उन्होंने खुद लिखा है कि 39 राउंड और टास्क हो चुके हैं, तो उसके बाद भी हम किसी रिजल्ट पे नहीं पहुँचे हैं। और यूनियन का भी एटीट्यूड जो है वो गलत लग रहा है कि 2-2.5 साल के बाद स्ट्राइक काल देना भी गलत है। इसी बात को अगर 6 महीने में फाइनलाइज नहीं होता है तो उसी टाइम उसको स्ट्राइक की काल देनी चाहिए थी। स्ट्राइक काल से चाहे वो धमकी भरी काल हो, अगर आईबीए स्ट्राइक से डरती है और ऑफर को बढ़ा देती है, तो ये तरीका 1-1.5 साल पहले इस्तेमाल होना चाहिए था। लेकिन दुख की बात है कि यूनियन भी आती जाती रही, और 30 जनवरी वाली मीटिंग का जो बाइकाट करने की उन्होंने बात करी थी, करने के बाद भी उन्होंने बाइकाट नहीं किया, और 30 जनवरी को 1 मीटिंग की बजाय 2 मीटिंग अटेंड करी हैं। तो इसमें ये क्लियर लगता है कि कुछ ना कुछ दोनों तरफ से गड़बड़ है। इसलिए बाईपार्टाइट सेटलमेंट जो हमारी है एक किस्म की फेल हो चुकी है। 2-2.5 साल 3-3 साल रिवीजन नहीं होती है। पिछली बैंकर वेज रिवीजन 2015 में ड्यू थी, और 2012 में ड्यू थी, और 2015 में हुई थी। अब ये वेज रिवीजन 1 नवंबर 2017 से ड्यू है और 1 नवंबर 2020 तक इसका कोई इलाज नज़र नहीं आ रहा है। तो 3-3 साल जो है वेज रिवीजन लेट होने का, इसका मतलब ये है कि सेंट्रल पे कमीशन ही UFBU को डिमांड करना चाहिए बजाय 20% वेज हाइक के। 20% वेज हाइक होने के बाद भी सेंट्रल गवर्नमेंट क्लर्क के बैंक पीछे रह जाएगा, बैंक का क्लर्क बहुत पीछे रह जाएगा। तो इसलिए इस UFBU को भी चाहिए कि वो CPC की डिमांड करे, ना कि वेज रिवीजन की डिमांड करे। पेंशन जो सेंट्रल एम्प्लॉइज़ को बढ़ती है,
वैसे ही बढ़ती जाए, वैसे ही डीए मिलता जाए तो बहुत अच्छा सिस्टम है। तो इतनी सी इन्फॉर्मेशन जो आज मेरे पास सर्कुलर आया है AIBEA का और जो IBA का जो नोटिस है, वो दोनों भी आपको मैं दिखा रहा हूँ। और मुझे आशा है कि इस वीडियो को शेयर करोगे, लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे। थैंक यू वेरी मच।